नमस्कार, मैं अनु और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। राहुल गांधी के बयान पर संसद में हंगामा, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। पहले दिन बीजेपी सांसदों ने दोनों सदनों में राहुल गांधी के बयान पर हंगामा करते हुए माफी मांगने की मांग की। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के बयान का मुद्दा उठाया और कांग्रेस नेता से माफी की मांग की। पीयूष गोयल ने कहा कि एक विपक्षी नेता ने विदेश में भारत की न्यायपालिका, सेना, चुनाव आयोग और सदन का अपमान किया है। उन्हें सदन में आकर देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। पीयूष गोयल ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र को खतरा तब था जब इमरजेंसी लगाई गई थी। वहीं राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है उनके ऊपर टिप्पणी करने की मैं निंदा करता हूं। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। टीम इंडिया ने रचा इतिहास, लगातार दूसरी बार WTC फाइनल में बनाई जगह। टीम इंडिया ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। श्रीलंका को न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में मिली हार का फायदा टीम इंडिया को मिला। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले ही फाइनल में जगह पक्की कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक 68.52% अंक हैं, जबकि भारतीय टीम 60.29 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है। WTC फाइनल मुकाबला 7 जून से इंग्लैंड के ओवल में खेला जाएगा। ये चैंपियनशिप का दूसरा सीजन है। पहले सीजन में भी भारतीय टीम फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन फाइनल में न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं इस साल टीम इंडिया के पास 2 ICC ट्रॉफी जीतने का मौका है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अलावा अक्टूबर नवंबर में भारत में ही वनडे वर्ल्ड कप के मुकाबले होने हैं। RRR ने ऑस्कर में भी रचा इतिहास, जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के ऑस्कर की कैटेगरी में RRR फिल्म के गाने नाटू नाटू को जगह मिली थी। इसका मुकाबला टेल इट लाइक अ वुमन के अप्लॉज, टॉप गन मैवरिक के होल्ड माय हैंड, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के लिफ्ट माय अप और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के दिस इज अ लाइफ से था। इसमें नाटू नाटू ने बाजी मारी और ऑस्कर अपने नाम कर लिया। इसके अलावा बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर भी भारत को मिला है। इस कैटेगरी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स, हॉल आउट, हाउ डू यू मेजर ए ईयर, द मार्था मिशेल इफेक्ट और स्ट्रेंजर एट द गेट के बीच मुकाबला था, जिसमें द एलिफेंट विस्पर्स ने बाजी मारी। वहीं बेस्ट पिक्चर कैटेगरी का ऑस्कर अवार्ड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के हाथ लगा। इस कैटेगरी में इसका मुकाबला ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, अवतार द वे ऑफ वाटर, द बशींज ऑफ इनिशरीन, एल्विस, द फेबलमैन्स जैसी फिल्मों के साथ था। सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, OROP पर वापस ले 20 जनवरी का संदेश। सुप्रीम कोर्ट में वन रैंक वन पेंशन योजना के बकाए भुगतान को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी 20 जनवरी के कम्युनिकेशन को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया था कि वन रैंक वन पेंशन का बकाया भुगतान 4 किस्तों में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि पूर्व सैनिकों को OROP बकाया की एक किस्त का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन बकाया भुगतान के लिए और समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ ने कहा कि रक्षा मंत्रालय का 20 जनवरी का संचार पूरी तरह से उसके फैसले के विपरीत है। पीठ ने कहा कि बुजुर्गों को पहले बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए। बुंदेलखंड को नेशनल हाईवे की सौगात, 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महोबा सहित बुंदेलखंड को नेशनल हाईवे की 3500 करोड़ की 9 परियोजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही महोबा जिले में 1180 करोड़ रुपए की लागत से बने कबरई के माहा 46 किलोमीटर 4-लेन हाईवे का शिलान्यास भी किया। इसके अलावा झांसी, ललितपुर, बांदा की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। मध्य प्रदेश के सागर से कानपुर व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जुड़ने से महोबा, हमीरपुर सहित आसपास के क्षेत्र को काफी लाभ होगा।
देश में कोरोना मामलों ने फिर पकड़ी रफ्तार, 11 दिनों में दोगुने हुए केस। देश में एक बार फिर कोरोना केस बढ़ने लगे हैं। एक दिन में कोरोना के नए मामले 500 के आंकड़े को पार कर गए हैं और महज 11 दिनों में दोगुना हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या 3,809 हो गई है। पिछले 7 दिनों में कोरोना के 2,671 नए मामले सामने आए हैं। देश में एक दिन में 444 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और तमिलनाडु में एक मरीज की मौत हुई है। इससे पहले शनिवार को 524 नए कोरोना मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। बीते 7 दिनों में 3 राज्यों में 500 से अधिक नए कोरोना मामले दर्ज किए गए, जिसमें कर्नाटक में 584, केरल में 520 और महाराष्ट्र में 512 केस शामिल हैं। विवाह बंधन में बंधेंगे पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, आईपीएस अफसर से होगी शादी। पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। वह पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर ज्योति यादव से शादी करने वाले हैं। बताया जाता है कि दोनों परिवारों की सहमति से राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और डॉक्टर ज्योति यादव का विवाह 25-26 मार्च को हो सकता है। दोनों परिवारों की ओर से शादी को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विवाह समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के अलावा और कई मंत्री और अन्य राजनीतिक दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर ज्योति यादव 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और मानसा के एसपी पद पर तैनात हैं। इससे पहले वो लुधियाना में एडीसीपी रही हैं। उनका परिवार हरियाणा के गुरुग्राम में रहता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।